हमारी एक फिल्म जो एक कॉमन मैन पे आधारित है और वो उसकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल होते हैं, उसी पे ही हमने ये एक फिल्म बनाई और कैसे दो बेटे अपने बाप की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द कॉमन मैन, दे आर द वंस हु मेक अस, दे आर द वंस एक्चुअली आई डोंट इवन वांट टू से दे मेक अस बिकॉज़ आई ऑलवेज से कि मैं आई एम आल्सो अ कॉमन मैन। हमारे आसपास के लोग हमारे आसपास हैं, काम कर रहे हैं, हम एक्टर्स हैं, पीपल लव अस, लेकिन मैं अपने से कहीं ऊपर इन लोगों को रखूंगा जो कि सेल्फलेसली काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। हमारी फिल्म एक कॉमन आदमी के बारे में है, सो वी आर प्रमोटिंग आवर फिल्म। पहला ही प्रमोशन जो हमने शुरू किया है वो कॉमन आदमी का जो स्टैचू है उसके सामने किया है। तो आज का जो म्यूजिक लॉन्च, जो एक गाने का लॉन्च यहाँ पर हुआ है, वो लक्ष्मण के कॉमन मैन का हमारे जो प्रतीक है उसको लेकर गया। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे आम आदमियों को मदद करने के लिए जब आम आदमी आगे आएगा तो निश्चित तौर पर समाज में क्रांति होगी। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान और महाराष्ट्र में 5 अंग्रेजी माध्यम की निःशुल्क स्कूलें चलाता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि कॉमन मैन के ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है। हम तो कॉमन मैन ही है और काम भी वही कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को मुंबई के अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का हम काम करते हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग टू बी अ कॉमन मैन एंड बीइंग फेलिसिटेटेड। इन सब की बातें सुनने के बाद आप लोग को अब लग रहा है इवेंट जो है ये पूरी तरह से सफल हो चुका है। अगर एक कॉमन मैन डिसाइड कर ले कि उसको कुछ करना है तो बदलाव तो ला ही सकता है। पहली बार अगर कोई मनोरंजन चैनल कॉमन मैन का सत्कार कर रहे तो निश्चित तौर पर हमारा नहीं पूरे मुंबई का सम्मान है। सारे कॉमन मैन को 21 तोपों की सलामी। जितने कॉमन लोग हमने जिनको फेलिसिटेट किया है और भी जो कॉमन लोग हैं उनको मेरा सलाम।